आज हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनाइजेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये सिंक्रोनाइजेशन की क्यों ज़रूरत पेश आती है, और जब हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं प्रोसेसेस के दरम्यान में, तो उसमें क्रिटिकल सेक्शन एक प्रॉब्लम आता है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, और क्रिटिकल सेक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो हमें कंप्लीट होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो आज के लेक्चर में हम जो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, कि हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को, और उसके अलावा रेस कंडीशन क्या होती है, और उसमें डिफरेंट सिनेरियोस को हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेसेस से या तो अफेक्ट हो सकती है या वो किसी और प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, या तो वो कोई लॉजिकल एड्रेस स्पेस शेयर कर रहे होते हैं, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस कोई कोड और डेटा दोनों हो सकते हैं। या फिर जो शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल के जरिए ये डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, या फिर मैसेज पासिंग कर सकते हैं, और इसमें जो साइमल्टेनियसली दे कैन शेयर डेटा, और जब वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम कंकरेंटली जब वो डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इससे डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इस तरह की जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जो प्रोसेसेस हैं जो आजकल के मॉडर्न आर्किटेक्चर में दे एग्जीक्यूट इन पैरेलल, हमने देखा कि प्रोसेस जो प्रोसेस स्केजलिंग है और उसके लिए जो सीपीयू है वो स्विच करता है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान। जो एक सीपीयू स्केजुलर होता है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान में स्विच करता है ताकि सीपीयू का टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। तो इसका ये मतलब है कि जो कोई भी प्रोसेस है वो एक ही सीपीयू बर्स्ट में कंप्लीट नहीं होता। कोई भी प्रोसेस जो है वो एक सीपीयू बर्स्ट में कंप्लीट नहीं होता, उसको नंबर ऑफ सीपीयू बर्स्ट या सीपीयू टाइम स्लॉट्स रिक्वायर्ड होती हैं कंप्लीट होने के लिए। कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनका जो सीपीयू बाउंड नहीं होते वो मे भी कंप्लीट हो जाए एक ही सीपीयू बर्स्ट में, लेकिन बहुत से प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो बार बार स्विच हो रहे होते हैं और उनकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है, और जब भी कोई उसमें इंटरप्ट आता है तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस की कोर किसी और प्रोसेस को असाइन हो जाती है। अब पहले हमने थ्रू आउट द कोर्स जो हमने देखा है कि प्रोसेसेस कैसे क्रिएट होते हैं, प्रोसेसेस की स्केजलिंग कैसे होती है, अगर प्रोसेसेस की हम डिफरेंट क्यूज बनाते हैं, उसमें हमने मल्टी लेवल क्यूज को डिस्कस किया, मल्टी फीडबैक मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब ये स्विचिंग हो रही होती है तो उसमें जो शेयर डेटा होता है उसको हम कैसे कंसिस्टेंट रख सकते हैं। तो एक जो प्रॉब्लम आता है रेस कंडीशन आता है। तो रेस कंडीशन क्या होती है, ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें दो प्रोसेसेस सेम डेटा को एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं।
और इसकी जो आउटपुट आती है वो डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन जो दो प्रोसेसेस की हुई है वो कैसे हुई है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कहते हैं रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक ही प्रोसेस एक वक्त में किसी वेरिएबल को या शेयर डेटा को मैनिपुलेट करे। तो इसको इंश्योर करने के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड हो। ये एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रेस कंडीशन जब अकर होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोसेसेस पी नॉट और पी वन है और ये चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं यूजिंग फोर्क सिस्टम कॉल। तो इसमें जो रेस कंडीशन होती है वो कर्नल वेरिएबल के ऊपर वो है नेक्स्ट वेरिएबल पिट, कि जो नेक्स्ट वेरिएबल पिट पिट इज क्या है, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर है जो कि यूनिक होता है। तो अब पी नॉट और पी वन ये दोनों फोर्क सिस्टम कॉल्स एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पिट टी चाइल्ड इज इक्वल टू फोर्क और फिर ये दूसरी जो पी पी नॉट भी एग्जीक्यूट कर रहा है फोर्क सिस्टम कॉल को और पी वन भी जो सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर रहा है। पी नॉट भी रिक्वेस्ट कर रहा है पिट के लिए और पी वन भी जो पिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट अवेलेबल पिट है वो 2615 है। तो अब ये दोनों को अगर ये एट द सेम टाइम इस जो वेरिएबल है जो कि नेक्स्ट अवेलेबल पिट नंबर है कोई भी जो एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फोर कॉल मिलेगा पी नॉट या पी वन को, तो इनके पास जो अभी नेक्स्ट अवेलेबल पिट नंबर है वो 2615 है। अगर पी नॉट और पी वन एट द सेम टाइम इस पिट को इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो दोनों को यही सेम नंबर मिल जाएगा जो कि रॉन्ग है। जो पिट नंबर है या प्रोसेस आइडेंटिफायर है दैट शुड बी यूनिक। तो पी नॉट का जो है वो डिफरेंट पिट नंबर होना चाहिए और पी वन का जो है वो डिफरेंट पिट नंबर होना चाहिए। तो जब तक हम कोई एक मैकेनिज्म नहीं बना लेते कि जो किस दूसरे प्रोसेस को रोके, लाइक पी नॉट अगर जो नेक्स्ट अवेलेबल पिट वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है तो पी वन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर दिस सेक्शन, पी वन नॉट शुड बी अलाउड टू यूज दैट वेरिएबल वाइल पी नॉट इज यूजिंग नेक्स्ट अवेलेबल पिट। तो इसके लिए हमें कोई मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होता है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि एट द सेम टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन अवेल दैट नेक्स्ट अवेलेबल पिट। इसके अलावा भी कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनमें ये रेस कंडीशन अगर हो सकती है, लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं मेमोरी एलोकेशन के, जहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रही है वहाँ पे दो प्रोसेसेस अगर एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट करते हैं मेमोरी एलोकेट की तो मे बी दे कैन हैव द सेम मेमोरी ब्लॉक फॉर बोथ ऑफ द प्रोसेसेस। या फिर इसके अलावा जो प्रोसेसेस लिस्ट्स होती हैं वहाँ पे भी रेस कंडीशन आ सकती है, या इंटरप्ट हैंडलिंग में भी रेस कंडीशन अगर हो सकती है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो भी एक जब हम प्रोसेसेस को स्विच कर रहे होते हैं तो एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एन प्रोसेसेस हैं पी नॉट से लेके पी इंटू पी अप टू एन माइनस वन तक। हर प्रोसेस के पास एक
कोड सेगमेंट है जिसको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, जहां पे इस क्रिटिकल सेक्शन में जितने भी प्रोसेसेस हैं T0 से लेकर TN-1 तक, ये सारे इस सेक्शन को एक्सेस करते हैं और इसमें कोई वेरिएबल या कोई डेटा अपडेट करते रहते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब एक प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में अपडेट कर रहा हो तो दूसरा कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन होना चाहिए जो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो अपनी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करें। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो सारे प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करें ताकि वो कोऑपरेटिवली डेटा को शेयर कर सकें और डेटा इनकंसिस्टेंसी ना हो। और जितने भी प्रोसेस हों क्रिटिकल सेक्शन में जब वो जाएं, दे मस्ट सीक परमिशन टू एंटर दैट क्रिटिकल सेक्शन। और जो सेक्शन इस चीज को अलाउ करे या जो इस बात को इंश्योर करे उसको हम एंट्री सेक्शन कहें। जो कोड इस चीज को इंप्लीमेंट करें कि कोई भी प्रोसेस जब रिक्वेस्ट करे क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो उस पीस ऑफ कोड को हम एंट्री सेक्शन कहेंगे। और इसके बाद जो क्रिटिकल सेक्शन के बाद एक एग्जिट सेक्शन होना चाहिए और उसके बाद जो बाकी का कोड होगा उसको रिमाइंडर सेक्शन कह सकते हैं। इसको हम ये डायग्राम में देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में ये एंट्री सेक्शन है जो अलाउ करे कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, और क्रिटिकल सेक्शन में जब वो अपडेट करे या यूज करे डेटा उसके बाद वो एग्जिट सेक्शन में है, और उसके बाद जो बाकी का कोड होगा उसको हम रिमाइंडर सेक्शन कहेंगे। तो ये एक क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर है जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब भी कोई क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आए तो उसके लिए जो भी सलूशन हो वो इन तीन कंडीशंस को मीट करे, तो तब हम कह सकते हैं कि वो सलूशन जो है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा हो तो कोई दूसरा प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम नो टू प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कि कंडीशन वन है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट द सेम टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। सेकंड कंडीशन जो है वो प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस में क्या है कि अगर तो क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर और कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं। सेकंड कंडीशन में ये है कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे और कुछ प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं, तो फिर सिर्फ वही प्रोसेस जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे और वो रिमाइंडर सेक्शन में है
वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नेक्स्ट एंटर होगा। और ये जो सिलेक्शन है इसको पोस्टपोन नहीं किया जाता, तो मतलब ये जो सिलेक्शन है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा, और ये सिर्फ वो डिसाइड करेंगे जो प्रोसेसेस रिमाइंडर सेक्शन में होंगे और जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। तो जो डिसाइडिंग प्रोसेसेस हैं वो वन, उनके लिए दो कंडीशन है, दैट फर्स्ट कंडीशन ये है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होंगे, और सेकंड ये है कि वो अपने रिमाइंडर सेक्शंस में होंगे। देन दे कैन डिसाइड कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। थर्ड कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग। तो बाउंडेड वेटिंग का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस कितनी दफा या कितने नंबर ऑफ टाइम जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। जब भी वो रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट ग्रांट होने से पहले, वो रिक्वेस्ट अप्रूव होने से पहले ये चेक किया जाए कि कितनी दफा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, जब भी क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम आए तो ये तीन कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सलूशन है क्रिटिकल सेक्शन का वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम इज इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन। इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि जो एंट्री सेक्शन है वो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देता है, और जो एग्जिट सेक्शन होता है उसमें इंटरप्ट्स को इनेबल कर दिया जाता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कि जो भी प्रोसेस है वो उसका जो कोड है वो एक आवर के लिए, एक घंटे के लिए रन हो रहा होता है, तो बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं बिकॉज वी हैव डिसेबल्ड इंटरप्ट्स दे कैन नॉट प्रीएम्प्ट द प्रोसेस। अब जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं कर लेता। अगर वो कोड जो है वो एक घंटे तक चलता रहता है तो बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो स्टार्वेशन में चले जाएंगे, उनको सीपीयू टाइम नहीं मिलेगा, और वो उस वक्त तक वेट करते रहेंगे जब तक कि जो पहला प्रोसेस जिसको सीपीयू टाइम एलोकेट हो चुका है वो जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो उसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास एंट्री सेक्शन में कोई भी इंटरप्ट अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से स्टारवेशन का प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारे पास इसी सिस्टम में दो सीपीयूज हैं तो जो सेकंड सीपीयू है वो आइडल रहेगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। तो क्रिटिकल सेक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो हमारे पास दो तरह के कर्नल्स होते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो तरह के कर्नल्स आते हैं, प्रीएम्प्टिव कर्नल्स एंड नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल्स। तो प्रीएम्प्टिव कर्नल्स ऐसे कर्नल्स हैं जिसमें हम किसी भी प्रोसेस को किसी वक्त प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और उसका जो टाइम है वो हम सीपीयू का जो टाइम है किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं, हम स्विचिंग कर सकते हैं बिटवीन द प्रोसेसेस। लेकिन जो नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल्स होते हैं, जिस तरह ये इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया, इसमें हम जो एंट्री सेक्शन के ऊपर इंटरप्ट नहीं कर सकते, हम किसी भी
प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक हम उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, और वो जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो तब वो जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो तब उसका टाइम किसी और प्रोसेस को मिलता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आ जाता है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में ये होता है कि हमारे पास जो अभी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जिसको हम डिस्कस की करेंगे, जो पीटरसन सॉल्यूशन है, उसमें दो प्रोसेस सॉल्यूशन है जिसमें लोड और स्टोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैं जो के इंटरप्ट नहीं होती। या तो प्रोसेस जो है वो लोड होगा और इसमें जो, या फिर उसको हम स्टोर करेंगे। इसमें एक वेरिएबल यूज होगा इन टर्न, तो टर्न वेरिएबल इंडिकेट करेगा कि किस प्रोसेस की जो टर्न है या कौन सा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। तो ये एल्गोरिदम है फॉर प्रोसेस व्हाइल ट्रू टर्न आई। तो जिस हमारे पास एक प्रोसेस पी आई है और दूसरा प्रोसेस पी जे है, अगर टर्न इज इक्वल टू आई, अगर टर्न प्रोसेस आई की है और व्हाइल टर्न इक्वल टू जे, तो ये इन कंडीशंस के ऊपर अगर ये ट्रू होती हैं तो देन दे कैन गो इन क्रिटिकल सेक्शन और उसके बाद ये रिमाइंडर सेक्शन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में जो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टर्न है वो कब उसमें इनेबल होती है। जो टर्न वेरिएबल है वो एट द सेम टाइम जीरो और वन नहीं हो सकता। तो लेकिन इसमें प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे फुलफिल होगी और बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट है वो कैसे कंप्लीट होगी, तो उसके लिए हमारे पास है पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। पीटरसन सॉल्यूशन एक क्लासिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कह सकते हैं कि हम यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एक एल्गोरिथमिक डिस्क्रिप्शन है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसमें जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है और बॉन्डेड वेटिंग, इन रिक्वायरमेंट्स को भी सामने रखा जाता है। तो जो पीटरसन सॉल्यूशन है ये टू प्रोसेस सॉल्यूशन है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि पीटरसन सॉल्यूशन में दो प्रोसेसेस हैं जो रन हो रहे होते हैं और थर्ड इसमें प्रोसेस नहीं है। इनमें जो प्रोसेसेस हैं इनको नंबर हमने पी नॉट और पी वन दिया है, और जब हम पी आई कहते हैं, जब हम एक प्रोसेस को पी आई कहते हैं तो दूसरा प्रोसेस जो पी जे है, इसमें हमारे पास एक जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक टर्न है और दूसरा फ्लैप है। जो टर्न वेरिएबल है ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, और जो फ्लैग एरे है ये इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए रेडी है। अगर फ्लैग में आई है तो इट मींस के जो पी आई है, प्रोसेस आई है, वो रेडी है टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ये एल्गोरिदम है प्रोसेस पी आई के लिए। अब इसमें हमारे पास जो व्हाइल ट्रू फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू इज इक्वल टू जे, तो इसमें ये दो कंडीशंस हैं। अगर तो फ्लैग आई का मतलब है कि प्रोसेस आई जो है वो रेडी है टू एंटर इनटू द
क्रिटिकल सेक्शन, और इसमें टर्न जो है वो जे, अगर ये ट्रू है टर्न जो है वो जे प्रोसेस की है, तो वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इज इक्वल टू जे, ये दो कंडीशन होंगी तो ये जो प्रोसेस जे है ये वाइल स्टेटमेंट के अंदर ही मूव होता रहेगा, तो और जो फ्लैग आई है वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए रेडी है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकेगा, फ्लैग आई इज इक्वल टू फॉल्स, और इसके बाद ये रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। इसमें जो वेरिएबल टर्न जो है वो इंडिकेट करता है कि कौन से प्रोसेस की टर्न है जो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो सकता है, अगर टर्न जो है वो टर्न इक्वल टू आई है तो फिर जो प्रोसेस पी आई है वो अलाउड होता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करे। अगर टर्न जो है वो इक्वल टू आई है देन प्रोसेस पी इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, और जो फ्लैग एरे है ये इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लैग आई जो है वो ट्रू हो तो इसका मतलब है पी आई जो है वो रेडी है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाए। अब हमें पता चल गया कि इसमें जो रेडी प्रोसेस है उसका उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका जो फ्लैग है वो उसको असाइन हो, फ्लैग उसका सेट हो, और जिस प्रोसेस में एग्जीक्यूट करना है क्रिटिकल सेक्शन में उसको टर्न वेरिएबल असाइन हो। तो क्रिटिकल सेक्शन में अगर हम पीआई की बात करें कि अगर पीआई ने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है तो सबसे पहले तो इसका फ्लैग सेट होगा, फ्लैग ऑफ आई, और ये ट्रू होगा, और फिर जो टर्न वैल्यू है वो जे की सेट होगी। तो फर्स्ट क्या होगा कि जो पी आई है उसका फ्लैग आई सेट होगा, ट्रू होगा, और जो टर्न जो है वो वैल्यू जे की सेट होगी, और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो दूसरा प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, और ये ऐसा कर सकता है। अगर दोनों प्रोसेस ट्राई करते हैं एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में तो जो टर्न है टर्न वेरिएबल दोनों का सेट हो जाएगा, आई और जे दोनों का जो टर्न वेरिएबल है वो सेट हो जाएगा एट द सेम टाइम, रफली एट द सेम टाइम, क्योंकि जाहिर है उसमें कोई टाइम स्लॉट ही होगी माइक्रोसेकंड में। तो ये जो आई और जे की असाइनमेंट है टर्न की, उन दोनों में से एक जो असाइनमेंट है वो रहेगी और बाकी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, या उसको हम कह लें कि वो ओवर रिटन हो जाएगी, और जो भी अल्टीमेट वैल्यू आएगी टर्न की, लाइक अगर टर्न की वैल्यू आई आती है तो इट मींस कि जो आई प्रोसेस है पी ऑफ आई वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, और अगर जे की आती है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगी। तो ये जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया है जिसमें हमने टर्न वेरिएबल और फ्लैग को यूज़ किया है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो मीट होती हैं। P of I सिर्फ उस वक्त क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है या तो जब तो उसका फ्लैग ऑफ J दूसरे प्रोसेस का जो फ्लैग है वो फॉल्स हो और जो टर्न का जो वेरिएबल है वो I को असाइन हो, तो इससे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करते हैं कि एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस जो प्रोसेस I है इस केस में वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है और जो दूसरा प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता। बाकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं जो प्रोग्रेस है
और बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें मीट होती है। हम इसमें देख सकते हैं कि प्रोसेस पीआई जो है उसको हम रोक सकते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में दाखिल ना हो जब वो वाइल लूप में स्टक हो जाता है, जब फ्लैग ऑफ जे जो है वो ट्रू होता है और टर्न इक्वल टू जे वो भी, और टर्न जो है वो जे के इक्वल होती है। तो जब फ्लैग जे जो है इट फ्लैग जे इज ट्रू, इट मींस कि फ्लैग जे इज रेडी टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड और फ्लैग जे ही की टर्न है। और ये जो लूप है उसमें उस वक्त ये पॉसिबल होता है जब पी ऑफ जे जो है वो रेडी ना हो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। फिर क्या होगा, फ्लैग ऑफ जे जो है वो फॉल्स हो जाएगा और पी ऑफ आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। अगर पी ऑफ जे का जो फ्लैग है वो पी ऑफ फ्लैग ऑफ जे सेट कर दिया जाए, ट्रू कर दिया जाए और वो भी एग्जीक्यूट हो रहा हो इसकी वाइल स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर या तो टर्न जो है वो आई होगी या टर्न जो है वो जे होगी। अगर तो टर्न आई है तो फिर जो पी ऑफ आई है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, अगर टर्न जो है वो जे है तो फिर पी ऑफ जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। ताहम पी ऑफ जे जो है वो एग्जिट कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से और ये जो फ्लैग है जे का उसको फॉल्स कर देगा। जब वो क्रिटिकल सेक्शन से दूसरा जो भी प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट कर रहा होगा जब वो उसमें से एग्जिट करेगा तो वो अपने फ्लैग को, चाहे वो आई है या जे है, उसको फॉल्स कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरा रिमेनिंग प्रोसेस होगा पी ऑफ आई या पी ऑफ जे वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होगा। और जब पी ऑफ जी अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा तो ये फ्लैग ऑफ जे को रीसेट कर देगा, फॉल्स कर देगा।